हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं इस प्लांट के बारे में बात करूंगी, चांदनी का फ्लावरिंग प्लांट है ये। पहले मैं इस प्लांट का पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगी, फिर इसकी कंप्लीट केयर बता दूंगी, ताकि आप लोग भी इस प्लांट की केयर देख के अपने प्लांट की केयर कर सके। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट में। ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट है, मिनिएचर भी बोलते हैं। इनकी लीव्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं और फ्लावर्स का साइज भी थोड़ा छोटा ही रहता है, लेकिन बंचेस में फ्लावरिंग करता रहता है। देखिए कैसे बंचेस बन के आ रही। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एवरग्रीन और पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है ये। पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है और समर में फ्लावरिंग करता है और विंटर में ये डोरमेंसी में रहता है। इस चांदनी प्लांट को कई नामों से जाना जाता है फ्रेंड। इसे क्रेप जैस्मिन भी बोलते हैं, मिनी चांदनी भी बोलते हैं, चाइनीज टाइगर भी बोलते हैं और इसे पिनव्हील प्लांट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इनके फूलों का शेप होता है ना, देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और ये नीचे पिन की तरह होता है, तो इसे राउंड में घुमाने पे ये व्हील्स की तरह घूमते हैं, इसलिए इसे पिनव्हील शेप्ड फ्लावर भी बोलते हैं। दूसरा नाम इसका मिल्क फ्लावर भी है, क्योंकि जब इनकी लीव्स को और ब्रांचेस को कट किया जाता है तो वहाँ से वाइट कलर का मिल्क निकलता है, शेप निकलता है, तो इसलिए इसे मिल्क फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम इसका मूनलाइट भी है। चांदनी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो नाइट में ब्लूम होता है, इसलिए इसे चांदनी फ्लावर बोलते हैं और मूनलाइट के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इतने सारे नाम है इसे, इतने सारे नामों से जाना जाता है ये ड्वार्फ वैरायटी का मिनी चांदनी का फ्लावर प्लांट। फ्रेंड, ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो आपके गार्डन में पूरे समर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। देखिए मेरा छोटा सा ही प्लांट है, इसी साल मैंने जून मंथ में इसे लिया था और रिपोर्ट कर दिया था कंपोज ऐड करके, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और हर एक ब्रांच पे बंचेस में आप देख सकते हैं फ्लावर्स खिल रहे हैं। डेली इसके फ्लावर्स नाइट में खिलते हैं और नेक्स्ट इवनिंग तक स्पेंट होके गिर जाते हैं। तो इस तरह इसके फ्लावरिंग का सिस्टम है, फूल डेली ही खिलते हैं, किसी दिन बहुत हैवी फ्लावरिंग हो जाती है और किसी दिन कुछ कम फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, मेरे गार्डन में चांदनी का एक और प्लांट है, ये तो डॉब वैरायटी का, लेकिन ये नॉर्मल वैरायटी है। इनकी लीव्स का साइज़ देखिए कितनी ज़्यादा बिग साइज़ की लीव्स हैं और ये डबल पेटल चांदनी है, बहुत हेल्दी प्लांट हो गया है। इसे मैंने एक सिंगल कटिंग से ग्रो किया है और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ कर गया है। इसमें बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही थी, पूरे समर इसमें फ्लावरिंग हुई है और प्लांट की ग्रोथ हो रही है दोबारा से। इसमें न्यू लीव्स बन के आएंगी, फिर से इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। व्हाइट कलर के डबल पेटल के बड़े साइज के फ्लावर्स खिलते हैं। स्क्रीन पे मैं पिक दे दूंगी तो आप देख पाएंगे कि कितने खूबसूरत फ्लावर्स खिल के आ रहे थे। पूरा प्लांट जो है फूलों से भरा हुआ था। देखिए ये इनके स्टेम पे यहाँ से फ्लावर स्पेंड हो गए हैं, एक यहाँ से और ये देखिए यहाँ से। तो अब दोबारा से इसमें फ्लावरिंग होगी, प्लांट ग्रोथ करता है और फिर से दोबारा से फ्लावरिंग करता रहता है। ये पूरे समर यही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये डबल पेटल चांदनी है और ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी का चांदनी का फ्लावर प्लांट है। अब मैं इसकी केयर बता देती हूँ कि इसकी केयर आप लोग कैसे करेंगे। जब आप इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे ना, तो उसमें जो सॉइल मिक्सचर तैयार करना है वो एक वेल ड्रेन और परफेक्ट सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। रिच सॉइल बनाकर तैयार करेंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो मैंने इसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया था, साथ में रिवर सैंड भी ऐड कर दिया था, जिससे जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड हो जाती है, और उसके साथ कंपोज ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे इससे हैवी फ्लावरिंग लेनी थी, वो भी पूरे समर। जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करें तो सॉइल मिक्सचर में नीम खली पाउडर या फंगीसाइड जरूर ऐड कर दें कि प्लांट में कोई फंगस वगैरह ना लगे, जल्दी कोई पेस्ट वगैरह ना लगे। तो इस तरह से सॉइल मिक्सचर तैयार करके प्लांट को रिपोर्ट देंगे तो प्लांट इस तरह हैवी फ्लावरिंग करता रहेगा आपके गार्डन में। उसके बाद सनलाइट की नीड इसकी बहुत अच्छी होती है। जितने फ्लावर प्लांट होते हैं उन्हें अच्छी क्वांटिटी में सनलाइट मिलती है तो प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और साथ में ग्रोथ भी करते रहते हैं। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही, कितनी सारी न्यू ब्रांचेस बन के आती जा रही है और हर एक ब्रांच पे बंचेस बन के तैयार हो रही है फ्लावरिंग के लिए। तो इसको अच्छी सी क्वांटिटी में सनलाइट दीजिए, अगर पॉसिबल है तो फुल डे की दीजिए, नहीं तो मिनिमम 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसे देनी पड़ेगी, तभी हैवी फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने इसे लो लाइट में रख दिया तो ये प्लांट फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता है और आपका प्लांट बस ऐसे ही ग्रीन तो रहेगा लेकिन उसमें फूल नहीं खिलेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को सनलाइट देंगे। वाटरिंग कैसे करना है आपको इस प्लांट को, देखिए ये जो मेरा प्लांट है ये रेनी सीजन चल रहा है, बाहर ही पड़ा हुआ है, धूप भी लगती है और बारिश का पानी भी इसे मिलता रहता है। बारिश का पानी नेचुरल होता है तो वो मिलता रहे प्लांट को, तो प्लांट ग्रोथ करता रहता है, फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जब आप खुद से वाटरिंग करेंगे तो लिमिटेड वाटरिंग करेंगे, जब सॉइल ड्राई दिखे तो आप उसमें वाटरिंग कर देंगे और सॉइल में नमी बनी हुई है तो वाटरिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें लिमिटेड वाटरिंग करेंगे।
कंपोज की नीड भी इस प्लांट की बहुत अच्छी है। इसको हैवी फ्लावरिंग करनी पड़ती है तो इसे अच्छा सा फूड भी मिलेगा, तभी वो हैवी फ्लावरिंग कर पाएगा। या तो आप इसमें काउडंग कंपोज ऐड कर सकते हैं, या वर्मी कंपोज ऐड कर सकते हैं, या जो पत्तियों की खाद होती है लीफ मोल्ड वो भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में वेस्ट टी लीव्स जो होती है चाय की पत्ती वो नाइट्रोजन रिच होती है तो वो भी आप एज अ कंपोज ऐड कर सकते हैं सॉइल मिक्सचर में। तो इस तरह आप इसमें कंपोज ऐड करते रहेंगे। कंपोज इसमें कब ऐड करना है फ्रेंड, एक बार आप इसमें जनवरी में कंपोज ऐड कर देंगे और दोबारा अप्रैल मई में कंपोज ऐड कर देंगे तो प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी। साथ में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करना है, जो मैं हमेशा बताती हूँ बनाना पील, ऑरेंज पील और अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के प्लांट में 15-20 दिन 25 दिन के गैप पे ऐड करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेगा। इस तरह आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फ्रेंड कई बार इस प्लांट पे वाइट फ्लाइज और स्केल्स का अटैक हो जाता है, कुछ पेस्ट लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml नीम ऑयल लेके 2-3 बूंदे लिक्विड सोप का ऐड करके और उसे इस पर स्प्रे कर देंगे तो जो पेस्ट हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका प्लांट फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं पेस्ट को रिमूव करने के लिए। इस प्लांट का प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है, बहुत इजीली इसका प्रोपोगेशन किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है ये चांदनी का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, एक स्टेम लेके आई थी और इजीली ये कटिंग ग्रो हो गई थी और अब मेरे गार्डन में खूब हैवी फ्लावरिंग होती है इस डबल पेटल चांदनी की। तो आप इस वाले प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, एक थिक सी स्टेम लेके इसकी कटिंग लगा लेंगे तो बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। ये रेनी सीजन चल रहा है, अगर आजकल आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत इजीली ग्रो हो जाएगी। तो आप इसे कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं चांदनी के प्लांट को। तो बस ये इसकी कंप्लीट केयर थी, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख कर अपने प्लांट की केयर कर सके। जल्दी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।